गाइस आज की वीडियो में हम लोग यो 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 नहीं कर पाएंगे क्योंकि गाइस अपने साथ हो चुका है बहुत बड़ा स्कैम। सही कह रहा हूँ गाइस, अपने साथ हो चुका है काफ़ी बड़ा स्कैम। ये भाई मैं ज़्यादातर कहाँ पे रहता हूँ, ज़्यादा मैं अपने घर पे भी नहीं रहता हूँ ना, उतनी बार मैं अपने विलेजर्स के पास रहता हूँ, ठीक है ना, उनसे ट्रेडिंग करता रहता हूँ। लेकिन गाइस जब कल मैं वीडियो अपलोड करने के बाद यहाँ पे आया तो गाइस यहाँ पे मुझे कुछ अलग ही मतलब देखने के लिए मिलता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया भाई क्या बोलूँ मैं यार। देखो मेरे जितने भी विलेजर्स थे सब गायब हो गए, कम से कम 8 विलेजर्स थे और 8 के 8 ही मुझे बिल्कुल सस्ती ट्रेड देते थे, और लेकिन 8 के 8 ही गायब। भाई तुमने सबको गायब कर दिया चलो ठीक है, पर गाइस मेरा मेंडिंग वाले को भी मेरे ऊपर रहम नहीं है यार, वो भी चला गया यार, वो भी यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो मुझे एक एमरल्ड में लिटरली एक एमरल्ड में यार वो मुझे देता था। अभी गाइस मैं क्या करूँ मैं यार। तो यहाँ पे जब मैं आया कल तो मैंने यहाँ पे एक पिलेजर को देखा था, ठीक है okay. तो उस पिलेजर को अभी तो मैंने कैद किया हुआ है अपने पास, तो क्योंकि क्या वो यहीं पे था तो उसको पता होगा कि वो कहाँ पे है, वो इसीलिए मैंने उसको कैप्चर किया हुआ है अपने उसके अंदर, अपने कासल के अंदर, अपने मिनी कासल के अंदर उसको मैंने कैप्चर किया हुआ है, तो वो कहीं भाग भी नहीं सकता, ठीक है ना। इसीलिए अभी हम लोग चलते हैं उसके पास और उससे थोड़ी पूछताछ करते हैं, अगर वो हम लोगों को बता देता है तो हम लोग वहाँ से जाके अपने विलेजर्स को लेके आते हैं, ठीक है, और अगर नहीं बताता है तो फिर चलो देखते हैं फिर क्या करते हैं उसका। तो गाइस तुम लोगों को लेके चलता हूँ मैं उस बंदे के पास, तो उसको मैंने यहीं पे कैप्चर किया हुआ, ये देखो यहाँ पे कैप्चर किया हुआ है। इसके दो लामा वो दोनों मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ही मतलब थूक रहे थे, तो उनको तो मैंने ठिकाने लगा दिया, बट इसको पकड़ लिया मैंने, इसको तो मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। तो अभी हम लोग इससे पूछताछ करने वाले हैं कि ये वहाँ पे क्या कर रहा था और मेरे विलेजर्स कहाँ गए, ठीक है okay. तो अभी मैं इससे पहले पूछूंगा भाई, फिर बाद में हम लोग अपना वैसे ये यहाँ तू यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, तूने बुलाया क्या इसको, हाँ और गर्दन भी हिलाई अभी इसने, भाई इसी ने बुलाया इसको, गुंडे बुला लिए भाई, मेरे घर में आके गुंडे बुला रहा है भाई ये बंदा। भाई अभी मेरे को डेफिनेटली पूरा शक हो चुका है यार कि इसी ने अपने विलेजर्स को गायब किया हुआ है, ठीक है ना, मेरे को लग तो यही रहा है पूरा पका, क्योंकि यहाँ पे भाई मैं आया जैसे इसने अपने बंदे बुला के रखे हैं यहाँ पे मेरे को मारने के लिए, क्यों बे तूने मेरे को यहाँ पे मारने के लिए बंदे बुला के रखे हैं। नहीं नहीं भैया जी, वो तो आपका बहुत बड़ा फैन था, वो मुझे पूछ रहा था कि स्टीव भैया कहाँ है, स्टीव भैया तो हमने बताया आप यहीं रुकिए वो आ रहे हैं। भाई मैं तो इतना बड़ा भी नहीं हुआ अभी तक, मेरे को इतनी जल्दी मेरे फैंस भी आने लगे। रुको एक मिनट, क्या बे तूने मेरे को तेरा बुद्धू समझाया क्या, हाँ तो अभी मेरे को सच सच बता मेरे विलेजर्स कहाँ गए बता। तो भैया जी हम तो यहाँ दूसरे गांव से आए हैं, हम तो यहाँ आपके ये जो गांव वाले थे ना उनसे हम कुछ थोड़ा खरीदारी कर रहे थे और कुछ नहीं बस, और ज़्यादा अच्छा, कुछ नहीं अच्छा, किया हमने बस। तो दूसरे गांव से आए, तो दूसरे गांव से आए उनसे ट्रेडिंग करने के लिए, तो भाई ये तो मेरा वर्ल्ड है, तू बगैर कुछ से मेरे गांव में आया कैसे बता। कि एक घनिष्ठ विलेज जो है आपके प्रिय उसके मित्र है। अच्छा अच्छा, कौन सा बंदा था तेरा दोस्त उस उन विलेजेस में से, कौन था? मेरे पास टोटल 7 बंदे थे तो मेरे को सबका मालूम है, पता है कि भाई कौन क्या है। आपका जो वो मेंडिंग वाला जो है ना विलेजर, वो हमारा बहुत प्यारा मित्र है, ठीक है। अच्छा अच्छा, वो मेंडिंग वाले की बात कर रहा है, तो अभी मुझे तू ये बता कि वो मेंडिंग वाला बंदा कहाँ गया, ठीक है, क्योंकि वो मेरा सबसे प्यारा आदमी था, ओके, तो जल्दी बताओ कहाँ पे गया, वरना आज तो तू गया। भैया जी मुझे पता तो नहीं वो कहाँ गया, पर मैंने उन्हें बातें करते हुए सुना कि वो आपसे परेशान हो गए, मतलब आप उनसे ट्रेनिंग करने नहीं आ रहे हो कुछ 2-4 दिन से, तो वो लोग चले गए आपको छोड़। हाँ भाई तो 1-2 दिन लेट हो गया तो उसमें क्या हुआ, 1-2 दिन मैंने नहीं की उनसे ट्रेडिंग, तो उसमें कोई गलत बात थोड़ी है, तो वो लोग गए कहाँ पे बट ये तो बता। भैया जी हमको तो नहीं मालूम, पर वो कह रहे थे कि हम इस वर्ल्ड को छोड़ के किसी और वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, इस वर्ल्ड से अब वो परेशान हो चुके हैं, बस इतना ही सुना था। क्या बात कर रहा है भाई, किसी और के वर्ल्ड में चले गए, ये कैसे किया उन्होंने, अबे वो किसी और के वर्ल्ड में कैसे जा सकते हैं बे,
तो तू उनका दोस्त था ना, ठीक है, और तूने उनको मतलब कहा, मतलब उन्होंने तेरे को कहा कि भाई मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ इसलिए वो लोग जा रहे हैं यहाँ से, ये क्या बात हुई यार? ये कुछ समझ में नहीं आया मेरे को। एक आध दिन ट्रेनिंग नहीं की, उसमें सारे के सारे चले गए, हद है भाई। या जी, अभी जो हमें मालूम था हमने आपको बता दिया, अब तो हमें जाने दीजिए कृपया करके। भाई तेरे को तो मैं नहीं छोड़ने वाला, तेरे को तो मैं कतई नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि तेरे को मैं यहीं पे बंद रखूंगा, और तेरे जो वो दोस्त है ना वो सब कोई ना कोई तेरे को बचाने तो आएगा ना कभी। लेकिन गाइज, हम लोग बनाने वाले हैं बहुत जल्द अपना एक ट्रेडिंग हॉल, तो अपने पास ये वाले विलेजर्स तो है, वो वाले तो भाग गए, ठीक है ना, वो वाले जैसे इसने कहा उनके दोस्त ने कि भाई वो भाग चुके हैं, मतलब किसी और वर्ल्ड में भाग चुके हैं वो लोग, तो अभी हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार, वरना मेरे को एक ट्रेडिंग हॉल तो चाहिए, क्योंकि बुक्स वगैरह इन सब की मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है, इसीलिए कह रहा हूँ, और ख़ास करके एमरल्ड की तो ज़रूरत पड़ती ही रहती है, और इसको मैं यहीं पर रखने वाला हूँ। गाइज तुम लोग मुझे बताओ कि इसके साथ मुझे क्या करना चाहिए। मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है मेरे विलेजर्स के लिए, क्योंकि वो पता नहीं किसके वर्ल्ड में चले गए यार।